नमस्कार, मैं हूँ शिखा और आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक बैन के बारे में। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है, जिसे लेकर अब भारत सरकार इसे बैन करने जा रही है। जी हाँ, देश में प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 जुलाई से सरकार सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है। वहीं भारत के लिए मौजूदा वक्त में सिंगल यूज़ प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो चुका है। बता दें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से जुड़े 19 उत्पादों पर बैन लगाया जा रहा है। इसके तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है, जिसे देश के कारोबारियों को बड़ा नुकसान होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों से भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त देश बनाने की अपील की थी। फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन में भी भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता जताई। सरकार का लक्ष्य भारत को 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना है। 1 जुलाई से सरकार जिन सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है, उनमें शामिल है पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, स्ट्रॉ प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टर और PVC जैसी चीज़ें। ये वे सिंगल यूज प्लास्टिक है जो एक बार में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रिसाइकल भी नहीं होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकल क्यों नहीं होता है, तो चलिए बताते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से बनता है। बड़ी मात्रा में कार्बन इसमें कंज्यूम होता है। इसके साथ इसके गलने में सैकड़ों से ज़्यादा साल लग जाते हैं। इसके अंदर रिसाइकल होने के कोई भी चांस नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर पहले ही सारे कंटेंट ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता है। जब ये गलने भी लगते हैं तो इसके अंदर जमीन पर केमिकल निकलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और ये शरीर के अंदर रसायन बनकर पुनः बाहर निकलते हैं। इस वजह से इंसान के शरीर के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे जमीन प्रदूषित हो जाती है और इससे समुद्र और उसमें रहने वाले जीवों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। देश में प्रदूषण फैलाने में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ा कारक है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ था। अब इतना सारा कचरा पैदा होने के कारण देश को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही ये कचरा बहुत तेज़ी से भी बढ़ रहा है, जिसके बाद सरकार की मजबूरी हो गई है कि इसे अब बैन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कचरा ना तो डिंपोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इसे जहरीले धुएं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना एकमात्र उपाय होता है। अब अमूल, स्टारबक्स और पाले जैसी कंपनियां प्लास्टिक बैन का विरोध क्यों कर रही है, आइए वो भी जानते हैं। पाले कंपनी की फ्रूटी और एपी फिज समेत 10 प्रोडक्ट के लिए हर रोज 15 से 20 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत होती है। इसी तरह पाले एग्रो और डाबर जैसी कंपनियों को भी हर रोज लाखों स्ट्रॉ की जरूरत होती है। बात करें स्टारबक्स की, तो स्टारबक्स हर साल पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा स्ट्रॉ यूज करती है और मैकडोनल्ड 1.8 मिलियन और मैकडी 1.8 मिलियन हर दिन स्ट्रॉ यूज करती है। ऐसे में ये कंपनियां सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का इन 3 वजहों से विरोध कर रही है। पेपर स्ट्रॉ का आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाना, प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ की कीमत 5 से 7 गुना ज्यादा होना, पेपर स्ट्रॉ बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग करना। चलिए अब आपको बताते हैं कि कागज़ की स्ट्रॉ महंगी कैसे पड़ती है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, कागज़ खरीदने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे और ये पेड़ भारत में नहीं है।
इसे मंगवाने के लिए आपको चीन इंडोनेशिया से कागज परचेज करना पड़ेगा। अब जब स्ट्रॉ चीन इंडोनेशिया से आएंगे तो आने से ही माल महंगा हो जाएगा, जिससे सेल पर नुकसान पड़ेगा। अब सेल पर प्रभाव पड़ेगा तो इससे देश के इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा और नुकसान होगा। बता दें कि देश में टेट्रापैक पेपर बोट ऐसी कंपनी है जो स्ट्रॉ यूज न करके कैप का इस्तेमाल करती है, लेकिन इनकी पैकिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लगती है, इसलिए देश की नामी बड़ी कंपनियां इस सिंगल यूज प्लास्टिक का विरोध कर रही है और सरकार से कुछ समय की मांग कर रही है। अब क्या सिर्फ भारत में ही सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी 60 देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुके हैं। बता दें कि वर्तमान समय में दुनिया में कुल 195 देश है, जिनमें से 60 देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सबसे पहले 2002 में बांग्लादेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था। अब विकल्प क्या है, चलिए वो भी बताते हैं। CPCB के कंज्यूमर से प्लास्टिक के बजाय इको फ्रेंडली विकल्प चुनने का अनुरोध किया है। CPCB ने कंज्यूमर से प्लास्टिक के बजाय इको फ्रेंडली विकल्प चुनने का अनुरोध किया है। उदाहरण के लिए सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कॉटन की थैलियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि प्लास्टिक की थैलियों की जगह नेचुरल क्लॉथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कॉटन, ऊन या बांस से बने टिकाऊ कपड़े धोने पर प्लास्टिक के रेशे नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है, तो आप सभी से भी अनुरोध है कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कीजिए और साथ ही सरकार का इस मुहिम में साथ दीजिए।